आदाब ही आईपीटीवी, सच आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका धवी आईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। चार बार की चैंपियन भारतीय टीम की कप्तानी उत्तर प्रदेश के बल्लेबाज प्रियम गर्ग को सौंपी गई है। राहुल द्रविड़ के मार्गदर्शन में वर्ल्ड कप टी20 के खिलाड़ियों को चुना गया है। दोस्तों, इस टीम में कई ऐसे खिलाड़ियों को चुना गया है जो गरीबी हालात से निकलकर टीम इंडिया तक पहुंचे हैं। वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों को चुने जाने से पहले भारतीय टीम ने कई टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और इसमें अलग अलग चेहरों को आजमाया गया। दोस्तों, आपको बता दें, राहुल द्रविड़ पहले ही साफ कह चुके हैं कि एक खिलाड़ी को एक ही बार अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलेगा, दोबारा उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम काफी मजबूत है। दोस्तों, इस टीम में राहुल द्रविड़ ने कई ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जो बेहद गरीब है। दोस्तों, इस टीम के कप्तान प्रियम गर्ग की बात की जाए तो प्रियम गर्ग मेरठ के रहने वाले हैं। गरीबी की वजह से उनके पिता ने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था, हालांकि फिर भी प्रियम ने गली में क्रिकेट खेलना जारी रखा। इसके बाद उनके मामा ने प्रियम को मेरठ के विक्टोरिया स्टेडियम में कोचिंग दिलाई और फिर इस बल्लेबाज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस दौरान उनके पिता साइकिल से दूध बेचकर बेटी के लिए पैसों की व्यवस्था करते थे। वहीं 17 साल के यशस्वी जायसवाल भी काफी गरीब हैं। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही के रहने वाले हैं। उनका परिवार काफी गरीब था। उनके पिता छोटी सी दुकान चलाते हैं। 17 साल के यशस्वी सपनों को पूरा करने के लिए वे बड़े शहर मुंबई चले गए। यहाँ पर उन्होंने एक डेयरी शॉप में काम किया और 3 साल तक यशस्वी एक टेंट में रहे। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। इस दौरान उन्होंने पेट भरने के लिए गोलगप्पे बेचकर पैसे कमाए। वहीं महाराष्ट्र के रहने वाले अथर्व अंकुलेकर स्नीपर के रूप में टीम में शामिल किए गए हैं। आपको बता दें, उनकी माँ मुंबई में सरकारी बस में कंडक्टर है। उन्हीं की कमाई से घर का खर्चा चलता है। अथर्व के पिता विनोद का 9 साल पहले 2010 में निधन हो गया था। इसके बाद माँ वैदेही ने ही उन्हें पाला पोसा। शुरू में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर वह घर चलाती थी, लेकिन बाद में पति विनोद की जगह वैदेही को वेस्ट बसों में नौकरी मिल गई। पिछले महीने जब अथर्व को भारतीय टीम में चुना गया था, तब उनकी मां के पास करीब 40,000 बधाई संदेश आए थे। 18 साल के अथर्व मुंबई के रिजवी कॉलेज में सेकंड ईयर के छात्र हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए ये खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और माता पिता के साथ देश का नाम भी रोशन करेंगे।